हेलो डियर्स, लेट्स मेक सम इजी स्नैक रेसिपी। इवनिंग टाइम में मैं सोच रही थी क्या बनाया जाए, तो एकदम इजी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। बॉयल किया हुआ मैश पोटैटो ले लो, देन उसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड धनिया पत्ता, देन मैगी टेस्ट मेकर दे दो। फिर हम इसमें देंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स देके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, लास्ट में मैंने आमचूर पाउडर भी दिया था, मैं देने भूल गई थी, तो ये रेडी है। अब चलो इसका छोटू छोटू करके बॉल बना लेते हैं। बॉल को अच्छे से प्रेस करेंगे, देन हाथ के मदद से इसको प्रेस कर देंगे, तो हम इसका एक टिक्की का शेप देंगे। तो ऐसे करके मैं बाकी सब रेडी कर लेती हूँ। इट्स रेडी टू फ्राई। चलो अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, मैं फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल दे रही हूँ। फिर इसको हम जो सैलो फ्राई करेंगे, अगर आप कढ़ाई पे फ्राई कर रहे हो ना, तो उसमें भी थोड़ा सा ऑयल देके हल्का जस्ट सेक लेना है, जस्ट बिकॉज सब बॉयल है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप फ्राइंग पैन में फ्राई कर रहे हो तो साइड साइड में ही दे देना, जस्ट बिकॉज साइड में ही ऑयल चला जाता है मेरे जैसे, आप कर सकते हो। फिर मैं ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल दे दिया एंड ये नीचे का अच्छे से हो गया, तो मैं पलट रही हूँ, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। तो सबको मैं ऐसे ही कर दूँगी। तो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इजी रेसिपीज़ के लिए। और आप मेरे चैनल पे क्या वीडियो देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो बहुत साइड से बहुत अच्छे से आपको सेक लेना है, और आपको कुछ टाइम के लिए शायद ही 2-3 मिनट तक आपको ऐसे फ्राई करना है। और ये मेरा जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप ऐसे क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो बाय।